प्रचंड गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। संयंत्रों में कोयले की बढ़ती मांग से बिजली संकट और गहरा होता जा रहा है। इस स्थिति में बिजली वितरण कंपनियों का पूरा समर एक्शन प्लान भी धराशाही होता नजर आ रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ब्लैकआउट की स्थिति में बिजली आपूर्ति कंपनियों की तरफ से स्टैंड बाय में रखा गया पावर बैंकिंग सिस्टम ही ना तो कारगर साबित होगा और ना ही पवन और सौर ऊर्जा। लंबी अवधि के समझौतों के तहत केंद्र व राज्य के पावर प्लांटों से नियमित तौर पर दिल्ली की बिजली कंपनियों को आपूर्ति मिलती ही है। आपात स्थिति में पावर बैंकिंग सिस्टम भी काम करता है। इससे ये सुनिश्चित रहता है कि अगर कोई दिक्कत आई तो बिजली कंपनियों को 690 मेगावाट बिजली मिल जाएगी। कंपनियों का करार हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के बिजली प्लांट से है, लेकिन कोयला संकट की वजह से इस सिस्टम के तहत भी दिल्ली को बिजली नहीं मिलेगी। इसके अलावा 600 मेगावाट सौर ऊर्जा, 300 मेगावाट पवन ऊर्जा और कचरे से बने 31 मेगावाट बिजली आपूर्ति का भी दावा बिजली कंपनी करती है।